कि फास्टैग भी बंद होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर फास्टैग इशू हुआ था। मैंने क्या किया था, एक छोटी सी ट्रिक अपनाई थी, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, वीडियो पूरा देखना। बहुत सारी रील्स में मैंने देखा या बहुत सारे वीडियोस में देखा फास्टैग ट्रांसफर हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, नहीं होता है, आपको नया फास्टैग इशू करना ही पड़ेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। जी हाँ, आज का इन्फो, आज का जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, वीडियो पूरा देखना। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पेटीएम ने वॉलेट अपना फास्टैग बंद कर दिया है, पेटीएम वॉलेट बंद हो गया है, पेटीएम पेमेंट बैंक बंद हो गया है, तो उसकी वजह से पेमेंट बैंक बंद होने से आपके वॉलेट का अकाउंट बंद हो चुका है, और वॉलेट का अकाउंट बंद हो गया है तो जो जो लोग फास्टैग यूज करते थे उनको पता है कि फास्टैग भी बंद होने वाला है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, पेमेंट बैंक बंद होने की वजह से पेटीएम के फास्टैग बंद होने वाले हैं। जी हाँ, अगर अभी तक आपका चल रहा है, आपको लग रहा है मैं जा रहा हूँ कहीं पे भी और फास्टैग से पेमेंट कट रहा है, तो ये सब एक मिथ है। जी हाँ, बहुत ही जल्दी जितने भी पेटीएम से फास्टैग आप लोगों ने लिए हुए हैं, जिसने भी लिए हुए हैं उनको मैं बता दूं, फास्टैग बंद हो रहे हैं उनके, तो आपको इसका क्या क्या सोल्यूशन करना है वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा देखना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और हमारे फैमिली व्लॉग्स इस चैनल के ऊपर आते रहते हैं, तो प्लीज वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो जी हाँ, जिन लोगों ने भी पेटीएम के फास्टैग यूज कर रहे थे, पेटीएम जो फास्टैग लगा रखे थे, उनके लिए मैं बता दूं, हाँ, जल्दी से जल्दी वो फास्टैग बंद करवा दीजिए, और बंद करवा के फटाफट से दूसरे फास्टैग इशू करवा लीजिए। जी हाँ, एक गाड़ी के लिए एक ही फास्टैग आप बना सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पेटीएम के मैनेज फास्टैग वाले ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, और वहां जाके आपको फास्टैग को क्लोज करने का रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा, ताकि वो आपका फास्टैग क्लोज हो जाए, बंद हो जाए, और उसके बाद आप किसी दूसरे बैंक से अपना नया फास्टैग इशू करवा सकते हैं। मैंने क्या किया कि मुझे 2 दिन के अंदर मेरा नया फास्टैग मिल गया। जी हाँ, अगर आप किसी भी बैंक के पास जाते हैं, थोड़ा सा समय लगता है कि वो लोग बोलते हैं 5 दिन 10 दिन में लगेगा, मेरे को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर फास्टैग इशू हुआ था। मैंने क्या किया था, एक छोटी सी ट्रिक अपनाई थी, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, वीडियो पूरा देखना। तो गाइज, मैंने पता है क्या किया था, सबसे पहले मैंने क्या किया, पेटीएम के ऊपर गया, अपना जो फास्टैग है उसका मैनेज फास्टैग वाले ऑप्शन में गया, और वहां पे जाके मैंने फास्टैग क्लोज करने का एप्लीकेशन डाल दी। उससे क्या होगा, अगर आपके फास्टैग वाले में जो भी सिक्योरिटी अमाउंट है वो आपके वॉलेट में या अपने बैंक में सेटल हो जाएगा, तो पेमेंट आपका कहीं नहीं जाने वाला है। तो एक पहला इशू तो ये रिजोल्व कर लीजिए। सेकेंड थिंग क्या होने वाला है कि अगर आपको जैसे अब नया फास्टैग इशू करना है, तो मैंने तो घर बैठे ही 10 मिनट के अंदर फास्टैग मंगवा लिया था। उसका उसके लिए मैंने क्या ट्रिक अपनाई थी, मैंने किया का जो कारें जहां से ली है, किया के कंपनी में ही मैंने फोन किया, और मैंने उनको बोला आप लोग फास्टैग इशू करते हो ना, उन्होंने कहा हाँ जी करते हैं, तो मैंने कहा एक काम करिए, मेरी इस गाड़ी के लिए नया फास्टैग इशू कर दीजिए फटाफट से। उन्होंने हार्डली 10 मिनट के अंदर इसी कारें का नया फास्टैग इशू कर दिया। इन्होंने फीस जो मुझसे ली है वो 500 रुपीज ली है, जिसमें से 150 रुपये जो है वो तो आपको वापस बैलेंस मिल जाता है, 150 रुपये जो होता है वो इन लोगों का चार्जेस होता है, 150 से 200 रुपये फास्टैग का गवर्नमेंट का कुछ चार्जेस है, और 100 रुपये के आसपास जो कंपनी है लाइक जैसे किया है जिससे मैंने लिया है, उन लोगों का कमीशन होता है। तो ऐसे करके 500 रुपये इन्होंने मुझसे लिए हैं, और विद इन 10 मिनट जो मुझसे आधार कार्ड और जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो इन्फॉर्मेशन लेके इन्होंने विद इन 10 मिनट मेरा नया फास्टैग इशू कर दिया है, और नया फास्टैग मैंने अभी अभी जस्ट गाड़ी के ऊपर लगा भी लिया है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस तरीके से ये नया फास्टैग मेरे को इशू किया है इन्होंने, IDFC बैंक का। जी हाँ, यहाँ पे आपको हो सकता है क्लियरली दिख जाए, IDFC बैंक का ये इन्होंने नया मुझे फास्टैग इशू कर दिया है, और नया फास्टैग इशू होने के बाद मैं अब कहीं पे भी जाने आने में कहीं मुझे कोई इशू नहीं आने वाला है। तो ये बहुत छोटा सा वीडियो है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आपको भी नया फास्टैग इशू करने में सोच रहा है, पड़ रहा है कि कौन से बैंक से लूँ, तो जो आपकी गाड़ी है जहाँ से आपने कार ली है, डायरेक्टली उनके शोरूम पर जाके बात कर लीजिए, वो आपका विद इन 10 to 15 मिनट्स आपका नया फास्टैग इशू करके दे देंगे, और पुराना फास्टैग उतारिए और नया फास्टैग लगा दीजिए अगर आपका पेटीएम का है, और अगर दूसरा पहले से ही किसी और बैंक का है तो चलने दीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन पेटीएम का फास्टैग जिन्होंने लगा रखा है उनके लिए स्पेशली बता रहा हूँ कि आपको आपको नया फास्टैग इशू करवाना ही पड़ेगा, चाहे कोई कुछ भी कहते। बहुत सारी रील्स में मैंने देखा या बहुत सारे वीडियोस में देखा फास्टैग ट्रांसफर हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, नहीं होता है, आपको नया फास्टैग इशू करना ही पड़ेगा। तो फटाफट से इसको लेट मत करिए, फटाफट से ये इशू करवा लीजिए।
और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और हाँ, थैंक यू, आप लोगों ने 1000 सब्सक्राइबर हमारे जल्दी से करवा दिए। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन होता है, लाइक यूट्यूब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, क्योंकि मेरा खुद का एक ऑनलाइन बिजनेस भी है, अगर आप भी ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या टूल्स लगेंगे, क्या क्या गैजेट्स यूज करने हैं, कारों से रिलेटेड या फिर YouTube से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है ना, फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, 100% आपको उसके ऊपर रिप्लाई मिलने वाला है।